नमस्कार दोस्तों, हम लोग आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। आई वन डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से, फर्स्ट मार्च सेकंड शिफ्ट का। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर ठीक था। हाँ, एग्ज़ाम ठीक ही किया। और क्या बताएं इस विषय में? कितना अटैम्प्ट किए? 100 में 92। कितना सही हो जाएगा उसमें? अब ये तो नहीं बता सकते, फिर भी लमसम 50, 60, 70, 80। हाँ, फिर भी 70 तो अनुमान रखे हैं। 70। अच्छा, 22 को तुक्का मार दिए। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, आपका क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ये जो क्वेश्चन था वो मतलब ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट में था ये क्वेश्चन। हाँ। और ज़्यादा करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। हाँ। और मैथ रीजनिंग थोड़ा कम था, लेकिन ये करेंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें करेंट अफेयर का कितना वेटेज था? अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन था आपका, जो कि हाल ही की घटनाओं में पूछा गया था, जो देश विदेश में घटनाएं घटी और इंटरनेशनल से भी कुछ क्वेश्चन था? कितना करंट अफेयर का कितना वेटेज था? अप्रोक्सीमेटली 2, 4, 10, 15। अप्रोक्सीमेट 10, 11 करीब में। 10 क्वेश्चन। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ क्वेश्चन था, खेल से संबंधित कोई प्रश्न? जी था। क्या था क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाला? स्पोर्ट्स में कुछ ये आपका रीजनिंग में भी था, उसमें स्पोर्ट्स से दिया हुआ था। हाँ, ऐसे अभी करंट से नहीं दिया गया था, लेकिन वही रीजनिंग में कुछ स्पोर्ट्स से दिया था। मतलब इसमें 3 टोकन इजी समान है और एक डिफरेंट है, वो तो चूज करने के दिया हुआ था। जनरल अवेयरनेस में मतलब कि स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन था? क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम, क्रिकेट में जो अवार्ड्स होते हैं इन सबसे कोई क्वेश्चन? ICC, IPL ये सब नहीं था। टेस्ट मैच नहीं, ये सब कुछ सीरीज वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था? वर्ल्ड कप वगैरह से गलत भी था क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी था, कुछ गलत क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन लगा गलत है? कुछ गलत क्वेश्चन लगा आपको? 3-4 क्वेश्चन गलत था। 2-4 क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट? ये कुछ जीके में भी है, कुछ रीजनिंग में भी है। हाँ। और मैथ का तो बात हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, रुके, जीके का कौन सा क्वेश्चन गलत लगा आपको? जीके नहीं, वो मैथ का क्वेश्चन गलत था। आप बोल रहे जीके में कुछ क्वेश्चन गलत था? जीके का क्वेश्चन गलत, कौन सा गलत था? नहीं आ रहा है, मगर जीके में गलत था और रीजनिंग में गलत था। आपको भी कुछ क्वेश्चन गलत लगे क्या? कोई गलत नहीं। एक वो वाला टाइप्स क्वेश्चन था, तो वो वाला थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि गोवा कब आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर, वो देना चाहिए था। अच्छा। पर कुछ और टाइप करके दे दिया था, वैसा 19 दिसंबर का कोई ऑप्शन ही दिया नहीं था, बस वही था। सर, स्क्राइब कब दिया गया? स्क्राइब फिर दिया क्यों ने साइन करवा लिया कागज पर, स्क्राइब फिर नहीं दिया? रुके, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला, इतिहास आगे आ जाइए। हाँ, उस टाइप्स का क्वेश्चन था, करो या मरो नारा कौन दिया है? उस टाइप का था। संविधान वगैरह से कुछ क्वेश्चन, आर्टिकल वगैरह से? क्या था क्वेश्चन आर्टिकल से? संविधान वाला क्वेश्चन क्या था? आर्टिकल वाला क्वेश्चन? 61वें संशोधन में क्या हुआ था? 61वें संशोधन में क्या हुआ था? उस टाइप्स का था। जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? प्रॉफिट एंड लॉस का डीएनए से था। क्या था डीएनए वाला क्वेश्चन? जीन का कुछ ऐसा क्वेश्चन था, डीएनए से ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? नहीं, उसका योजना से क्वेश्चन नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, क्या था क्वेश्चन? कोरोना से नहीं था। क्या था कोरोना वाला क्वेश्चन? कृषि योजना वाला कुछ क्वेश्चन था। कुछ क्या था? कृषि योजना का। कृषि योजना क्वेश्चन क्या था? अभी जो कृषि योजना को दिया जा रहा है कुछ अमाउंट, वो हर साल वो कितना दिया जा रहा है? अच्छा, वो अमाउंट पूछा गया जो 6,000 रुपए करके दिया जा रहा है, किसान का बारे में, किसान सम्मान निधि योजना हर साल कितना दिया जा रहा है, वही पूछा था। स्पेस से कोई क्वेश्चन था? मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV? बेसिक सब कंप्यूटर एप्लीकेशन? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से कोई क्वेश्चन था? क्या था क्वेश्चन? कुछ कीज वगैरह का था, माइक्रोसॉफ्ट का। कोई फुल फॉर्म वगैरह का कोई क्वेश्चन? नहीं, फुल फॉर्म नहीं था। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैं 70। इसमें से कितने सही हो जाएंगे? कम से कम 58। घर से कितने दूर दिया गया सेंटर? 17-18, 20 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरा है? पटना, कोलकाता, रांची? रांची बोर्ड से। और क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? 70 जाएगा। सेंटर पे किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। तो आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? मैथ्स में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बेसिक अच्छे से पढ़ेगा तो बहुत अच्छा से मैथ्स जाएगा, मैथ्स का वही क्वेश्चन है।
और करंट अफेयर्स का 18, 19, 20 बस इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। अच्छा, बस यही सब है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? हाँ, मॉक टेस्ट से था, मैथ्स वगैरह में जैसे प्रॉफिट लॉस ये सब मॉक टेस्ट से हेल्प हुआ था, उसी से आया था। किसका मॉक टेस्ट लगाती थी आप? हम तो टेस्ट पेपर लगाते, टेस्ट पेपर। किसका? उत्कर्ष का टेस्ट पेपर, उत्कर्ष का लगाते थे। अच्छा, सेंटर में किसी तरह कोई परेशानी? एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? बस आईडी और एडमिट कार्ड फोटोस बस। तो मतलब जो 40 नंबर का जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इंडिया से थे या फॉरेन कंट्री का भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था? अधिकतर इंडिया से था, और वैसे जम्मू कश्मीर को कौन सा द्वीप जोड़ता है उस टाइप का कोई था। जम्मू कश्मीर को कौन सा द्वीप जोड़ते हैं? अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर? नहीं आया था ना। मतलब राज्य की राजधानी, पड़ोसी देश? मेघालय का शिलोंग आया था, मतलब टच करना था कि इसका ये है तो मेघालय का क्या होगा, उस टाइप का आया था। अच्छा, उसके बाद नेबरिंग कंट्री से कोई क्वेश्चन? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो क्या लगा कि मतलब जो भी फर्स्ट फेज हो गया, सेकेंड फेज हो गया, थर्ड फेज का पेपर अभी तक हो गया है, उसके मुकाबले फोर्थ फेज का पेपर कैसा आ रहा है? फोर्थ का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पेपर बहुत अच्छा आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये आपके लिए लाया एग्जामिनेशन रिव्यू। तो ये एग्जामिनेशन रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि स्टूडेंट लोग यहाँ पे बता रहे हैं, जिधर आपकी तैयारी अच्छी है तो नो डाउट आप एक अच्छा अटैम्प डेफिनेटली ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। और आप इस वीडियो का जैसा कि थंबनेल देख पा रहे होंगे कि दलालों से सावधान, आज मॉर्निंग की एक घटना है जिसका मैं आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूँगा। एक यहीं पे एक शॉप है जो हमारा ऑफिस है, उसी के बगल में एक मतलब कि एक आदमी यहाँ पे आए हुए थे, उस शॉपकीपर को उन्होंने कुछ लुभावना दिया कि मैं आपको 12,000 रुपीज़ का जैसे कि आपको मैं एक सामान दूंगा और जैसे कि आपको क्या करना है, मुझे 12,000 रुपीज़ कैश दीजिए। तो वो आदमी उस आदमी से कैश ले लिया और उसके बाद उसका कोई ठेक ठिकाना नहीं रहा, वो कहाँ चला गया। ओके फ्रेंड, तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं, चाहे आप लोग जैसे कि यहाँ पे आपके गार्जियंस आ रहे हैं या आप आ रहे हैं, आप लोग अलर्ट मोड में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोग नए होते हैं तो आप लोग को मल्टीपल तरीके से ठगने का प्रयास किया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग जरूर इस मतलब चीज़ को लेकर के अवेयर रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन रिव्यू। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या? हाँ सर, क्वेश्चन आया था पर आज नहीं अभी। अच्छा, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, थोड़ा पढ़ के जाते तो थोड़ा अच्छा मतलब निकल ही जाता। हाँ, और बाकी टफ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, देखा जाए तो। तो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? सर थोड़ा बीटेक कर रहे ना तो उसमें थोड़ा बिजी थे। अच्छा, एग्जाम सेमेस्टर का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा, तो पढ़ाई नहीं कर पाए तो फिर एग्जाम देने क्यों आए? सर आना पड़ा, फॉर्म फिलअप कर दिए थे, फिलअप कर दिए थे। तो फॉर्म फिलअप किए थे तो नहीं भी तो आ सकते थे देने के लिए? लोकल था तो सर आ दिए। सर लोकल था इसलिए आ गए। टाइम क्या, एक दिन का टाइम था। अच्छा अच्छा, दे दिए। कितना अटेम्प्ट किए? 56 अटेम्प्ट किए सर। कितना सही हो जाएगा? 28 श्योर है, बाकी बात और। कितना श्योर है? 28 सर। 28 श्योर है, मतलब आधा आधा तुक्का मार दिए। चलिए, ठीक है ठीक है, किसी तरह कोई परेशानी? नो सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये भी देंगे सर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? बोलिए। आज के पेपर बहुत ही अच्छा था। हाँ, हमारे लिए, क्योंकि इसमें इतना हेल्प नहीं मिलता है जो जितना मिला है उनको। अच्छा, और सुविधा भी बहुत अच्छा है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग तो हैंडीकैप है ना। हाँ, इसीलिए इसकी सुविधा के चलते हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और दूर जगह जाते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ होता है हम लोगों को आने जाने में, ढूंढने में जगह, और ये सब ढूंढने नहीं जाता है, डायरेक्ट मिल गया। काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कितना अटेम्प्ट किए? वो लगभग 40 रखो। 40? हाँ, उसमें से कितना सही हो जाएगा? 40 में कितना होगा, वो 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। हाँ, तो क्या लगता है हैंडीकैप्ट वालों का कट ऑफ कितना जा सकता है? बोल रहा था कि आधा होगा। अच्छा, अभी उनको उतना लग नहीं मालूम नहीं। हाँ, लेकिन सरकार के बोर्ड पर भरोसा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।